नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं, दो लोग खास तौर पर जुड़े हुए हैं अलग अलग विषयों पर बातचीत करने के लिए, और एक हमारे साथी हैं, हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन न्यूज लॉन्ड्री के। शार्दुल, आपका स्वागत है चर्चा में। हेलो। और जो दो मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ, उसमें एक हमारे साथ स्टूडियो में है, हृदेश जोशी। पर्यावरण और तमाम मसलों पर आपने इनकी पत्रकारिता देखी है, न्यूज लॉन्ड्री में भी इनके रिपोर्ट्स छपती रही हैं। स्वागत है हृदेश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा हमारे साथ अभी स्मिता शर्मा जुड़ रही हैं जूम पे। स्मिता, आप लोगों ने न्यूज लॉन्ड्री पर इससे पहले भी देखा है, उनको सुना है, विदेश मामलों पर रिपोर्टिंग करती हैं और हाल फिलहाल में अभी श्रीलंका से लौटी हैं। श्रीलंका के राजनीतिक हालात आपको पता है, बहुत डावाडोल हैं, बहुत सारा घटनाक्रम चल रहा है। तो स्मिता से हम श्रीलंका के हालात पे बातचीत करेंगे। स्वागत है स्मिता आपका। बहुत धन्यवाद अतुल। तो हमारी बातचीत का जो दायरा है वो मुख्य रूप से जिन खबरों पर केंद्रित होगा, उसमें एक तो है कि भारत ने अपना 15वां राष्ट्रपति चुना है, द्रौपदी मुर्मू, जो कि उड़ीसा से आती हैं और पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, तो उनके बारे में बातचीत करेंगे। साथ में श्रीलंका के हालात पर बातचीत हमारी होगी, जो कि जिसके लिए स्मिता भी हमारे साथ जुड़ी हैं। और सरकार ने जीएसटी की दरों में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है, उस पर भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा एक और खबर है जो कि पर्यावरण से जुड़ी हुई है, या कहें हाल फिलहाल में जो कि अरावली की पहाड़ियां हैं उसमें खनन से जुड़ा मसला है। और एक ताज़ा खबर आई है 2-3 दिन पहले अभी, जिसमें ये सामने आया कि एक डीएसपी थे हरियाणा सरकार के, उनकी मौत हो गई और एक डंपर जो अवैध खनन से जुड़ा एक ट्रक ड्राइवर था, उसने उनके ऊपर अपना ट्रक चढ़ा दिया, उसमें उनकी मौत हो गई। तो अरावली में जो चल रहा है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं श्रीलंका की बात करना चाह रहा हूँ। स्मिता, बड़ी सारी खबरें आ रही हैं, भारत में नया राष्ट्रपति चुना गया है और श्रीलंका में भी नया राष्ट्रपति चुना गया है, और दोनों के हालात में बड़े अंतर है। श्रीलंका में जिस तरह से रनिल विक्रमसिंघे को चुना गया है, इससे पहले वहाँ पर मई में जब हालात ख़राब हुए थे तब प्रधानमंत्री के पद से महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफ़ा दिया था, और अब उसके बाद गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफ़ा हुआ है और नया राष्ट्रपति चुना गया है। मेरे ख्याल से नया प्रधानमंत्री भी चुन लिया गया है। आप वहाँ पर थी हाल के पिछले हफ्ते में पूरा, तो जो घटनाक्रम है उसमें उसके हिसाब से राजनीतिक हालात अभी के श्रीलंका के क्या हैं, अगर आप हम शुरुआती जानकारी दे पाए अगर। जी देखिए, आपने जैसा कहा अतुल की एक अंतर है दोनों देशों के राष्ट्रपति चुने जाने में, क्योंकि भारत में ये एक स्थायी राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो है ये चुनाव हुआ है, लेकिन श्रीलंका में दीज वर फोर्स्ड इलेक्शंस, क्योंकि मई से लेकर अब तक के अंदर जो है अगर आप रनिल विक्रमसिंघे की बात करें तो वो पहले कार्यवाही प्रधानमंत्री बने, फिर कार्यवाही राष्ट्रपति बने, और अब वो जो है प्रेसिडेंट बने हैं। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि रनिल विक्रमसिंघे जो दरअसल श्रीलंका में 6 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन किसी भी बार वो एक अपना कार्यकाल कभी भी पूरा नहीं कर सके। 1977 में उनके पब्लिक जिंदगी की शुरुआत हुई थी जब वो संसद में चुनकर आए थे, और 1993 में जाकर पहली दफा जो है वो प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो उन्हें जो श्रीलंकाई सियासत है उसका फॉक्स कहा जाता है, कि वो जानते हैं कि सर्वाइवल कैसे किया जाता है। और इसीलिए अभी जो वो राष्ट्रपति चुने हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए, अगर गोटाबाया राजपक्षा इस वक्त राष्ट्रपति रहते हो तो उनका कार्यकाल 2024 तक का था, क्या रनिल विक्रमसिंघे 2024 तक इस दफा ऑफिस में बने रहेंगे? दिनेश गुणवर्धने को उन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, दोनों क्लासमेट्स रह चुके हैं और उनकी राजनीतिक स्टाइल थोड़ी डिफरेंट है। दिनेश गुणवर्धने दरअसल लीडर ऑफ द हाउस भी थे, सदन के नेता थे। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि रनिल विक्रमसिंघे जो रूलिंग पार्टी है जिनकी मेजोरिटी है संसद में, वो राजपक्षा की पार्टी है SLPP। रनिल विक्रमसिंघे दरअसल उस पार्टी से नाता नहीं रखते हैं, उनकी जो अपनी पार्टी है वो बड़ी बुरी तरह से पिछले चुनावों में हारी थी, वो खुद अपनी सीट भी जो है हार गए थे, नहीं बचा सके थे, एक सांसद है पार्लियामेंट में। तो ऐसे में जब राजपक्षा ने कहा कि हम जा रहे हैं लेकिन हम जो है ये जिम्मेदारी रनिल विक्रमसिंघे को देकर जा रहे हैं, तो इसके खिलाफ जो ये गुस्सा है लोगों के अंदर ये अभी बहुत ज्यादा बरकरार है अतुल। और श्रीलंका के हालात अभी बिल्कुल भी आने वाले वक्त में जल्द स्थायी नहीं होने वाले हैं। ऊपर से रनिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद ही वहां पे जो प्रोटेस्टर्स थे, शुक्रवार को दोपहर में
उन्हें जो है प्रोटेस्टर्स ने ये ऐलान किया था कि अभी फिलहाल देखिए जो राष्ट्रपति निवास हो प्रधानमंत्री निवास हो जहां ये लोग 9 जुलाई को अंदर चले गए थे, इन लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया था, उसकी तस्वीरें सामने आई थी कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कहीं जिम्नाशियम में कहीं स्विमिंग पूल में राष्ट्रपति भवन के वो वहां पे घूम रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद उन्होंने खाली कर दिया था, सिवाय जो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट है वो बिल्कुल गोल फेस पर ही मौजूद है। और जब मैं वहां पर थी कोलंबो में बिल्कुल उससे देखकर ना बहुत सारा मुझे किसान आंदोलन से उसकी कंपैरिजन नजर आ रही थी, जिस तरीके से किसान आंदोलन में पूरा का पूरा एक विलेज बना दिया गया था, वैसे ही गोल फेस पर जहां 5 सितारा लग्जरी होटल्स हैं, कोलंबो पोर्ट जो कि चाइना के की एक बड़ी प्रोजेक्ट है वो बन रहा है, वहां पूरे विलेज सेटअप किए गए थे, टेंट्स कैंप्स लगाए हुए थे, लीगल एड मेडिकल एड ये सारे वॉलंटियर्स के जो श्रीलंका के दूर दराज के हिस्सों से आकर लगभग 3 महीनों से वहां पर जुटे हुए थे इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि उनके पास ना इस वक्त ईंधन आ रहा है वक्त से, ना खाने की शॉर्टेज है, प्राइस राइज इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि जो आटा चावल 3-4 महीने पहले तक 100 रुपए के लिए मिलता था वो आज की तारीख में 500-600 रुपए में उन्हें मिलता है। तो बहुत तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, और उन प्रोटेस्टर्स को खदेड़ने के लिए जो इजाजत दे दी राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कुछ घंटों के अंदर ही राष्ट्रपति बनने के साथ, मिडनाइट ड्रामा हुआ, लेट नाइट, ठीक जैसे यहाँ पे हमने CAA के दौरान देखा था या फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान देखा था कि अनअर्ली आवर में सुबह के 3-4 बजे अचानक से जो है स्टेट इज यूजिंग इट्स माइट एंड इट्स फोर्स। इसने एक बहुत गलत संदेशा भेजा है, और लोगों का जो पूरा का पूरा एक संदेह है रणिल विक्रमसिंघे को लेकर वो उसे राजपक्षा की परछाई मांगते हैं, उसे एक बार फिर से जो है और हवा दे दी है। और जो प्रोटेस्ट काफी धीमे हो गए थे पिछले कुछ दिनों में, मुझे लगता है उसमें एक जरूरत नहीं थी उसकी, लेकिन उसे वापस से जो एक रीइग्नाइट कर दिया है इस कदम। स्मिता मैं एक बात पूछ सकता हूँ यहाँ पर कि मैं इसको ट्रैक नहीं कर रहा था, इस खबर को मैं ट्रेवल कर रहा था, तो आप ये कह रही हैं कि अभी भी जो नई वहाँ पर व्यवस्था है उसके तहत जो आए हैं वो एक तरह से बाई प्रॉक्सी पुराना ही डिस्पेंसेशन चला रहा है, या जनता के लिए मतलब इसी वजह से आप कह रही हैं जो प्रोटेस्ट अभी जनता खुश नहीं है? देखिए वही है, जनता का यही कहना है कि भैया आप संसद के अंदर ये जो है ना जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, दरअसल श्रीलंका में ये राष्ट्रपति चुनाव पॉपुलर वोट से चुने जाते हैं राष्ट्रपति, ये पहली बार लगभग 44 साल में हो रहा है कि संसद में सीक्रेट बैलेट के जरिए राष्ट्रपति चुना गया है। इन लोगों का कहना है कि जो SLPP से एक और उम्मीदवार थे वो डिसिडेंट नेता है, वो पूर्व जर्नलिस्ट रहे थे, पूर्व मंत्री रहे थे डुलास अलापुरमा, उनको SLPP की पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि एक ऐसे शख्स को सपोर्ट किया जो SLPP से नहीं है लेकिन जिस पर राजपक्षा को भरोसा है। तो जनता का इन बहुत बड़ा जो एक्यूजेशन रहा है रणिल विक्रमसिंघे के खिलाफ कि 2015 में जब राजपक्षा चुनाव हारे थे उनको प्रोटेक्शन दी थी रणिल विक्रमसिंघे, 2019 में जब ईस्टर संडे अटैक्स हुए थे वहां पे लगभग 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, मैं उसको कवर करने के लिए भी उस वक्त कोलंबो में थी, तब भी रणिल विक्रमसिंघे दरअसल प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस ने मुझे लूप में नहीं रखा, और उसे लेकर बहुत विवाद हुआ था, और ठीक इन राष्ट्रपति चुनावों के पहले उन्होंने एक बार फिर से ईस्टर संडे बॉम्बिंग का मामला जो है उछाल दिया और कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं हमें तो इसे स्कॉटलैंड यार्ड के जरिए इंडिपेंडेंट मैं इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा। इससे लेकर कैथोलिक कम्युनिटी में बड़ी नाराजगी देखने को मिली, उन्होंने कहा एक संवेदनशील मुद्दे को लेकर जिसमें इतनी लोगों की खून बहाया गया आप उसको एक राष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर आप उसे पोलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। तो बहुत तमाम तरीके के की वजह है जिससे कि लोग नाराज हैं रणिल विक्रमसिंघे से और उन पर भरोसा नहीं कायम कर पा रहे हैं। और ये जो कदम उठाए रणिल विक्रमसिंघे ने कि देर रात जाकर फोर्सेस को भेजकर प्रोटेस्टर्स को पिटवाया है, उसमें फॉरेन जर्नलिस्ट पर भी अटैक हुआ है, BBC तमिल के कैमरा पर्सन को भी चोटें आई हैं, ये इसने एक और बहुत ज्यादा गलत जो है संदेशा भेजा है इस वक्त। तो आप चूंकि ग्राउंड पर थी स्मिता, तो एक बड़ी चीज कही जा रही थी कि भाई जो इकोनॉमिक पॉलिसी का डिजास्टर था उसमें जो गड़बड़ियां हुई उसकी वजह से ये सारा शुरू हुआ, वहाँ पर क्या आप लोग की बातचीत वहाँ के जो का जो पॉलिटिकल क्लास है उनमें किसी से हुई, वहाँ के ब्यूरोक्रेसी में किसी से हुई, क्या कोई ऐसा रोड मैप था कि लीडरशिप बदलना एक हिस्सा है लेकिन अल्टीमेटली पूरी वो इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे मैं अगर जिक्र करूँ किसी कॉन्टेक्स्ट के तौर पे तो हम 90s में जहाँ पर थे और जिस तरह की स्थिति थी कि सोना गिरवी रखा जा रहा था कर्ज का और ब्याज नहीं चुकाने की स्थिति थी, तो एक बड़े आमूलचूल व्यापक बदलाव की ज़रूरत थी जो कि हमारी एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक पॉलिसी थी। तो उसमें हमने एक बदलाव देखा, नरसिम्हा राव की सरकार आई और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने और एक बड़ा चेंज हुआ वहाँ से, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो एक अलग ट्रैक पर गई और उसकी वजह से हमने उसके समर्थक विरोधी
भी बुराई करने वाले और तमाम लोग होंगे, लेकिन उसका एक एक, एक नतीजा ये कि उस पॉलिसी में हम एक कंटिन्यूएशन देखते हैं और उसकी वजह से हिंदुस्तान में एक बड़े पैमाने पर समृद्धि भी आई। आप कह सकती हैं कि उसमें बहुत खामियां हैं कि वो ऊंच नीच का उसमें जो जो गैप है वो बढ़ा है, कुछ जो जो संसाधन है बहुत ज़्यादा एक कुछ लोगों के पास सीमित हुए हैं और बहुत सारे लोगों से दूर भी हुए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर समृद्धि भी आई है वो दिखता है। इस तरह की पॉलिसी के लेवल पर चीजें दिखती दिख रही थी, कुछ कुछ बात हुई, कोई योजना दिखी? योजना बनाने के लिए जो है पहले एक स्थायित्व की जरूरत होगी। जो दिक्कत थी अतुल राजपक्षा, अगर आप उस फैमिली को देखें डिनेस्टी ने जिन्होंने गृह युद्ध को वहां खत्म किया, लिट्टे के खिलाफ लड़ाई में जीत के जो आर्किटेक्ट है वो महिंदा राजपक्षा थे और इसीलिए चुनाव बाद में जीत कर भारी मतों से जीत कर आए थे। लेकिन जो एक पूरी सत्ता को एक परिवार के अंदर कंट्रोल करने वाली बात होती है, उनके परिवार में देख लें आप, वो हैं गोटाबाया हैं, उनके भाई बासिल राजपक्षा हैं, सारे के सारे अहम पदों पर, कभी राष्ट्रपति, कभी प्रधानमंत्री, कभी रक्षा मंत्री, कभी वित्त मंत्री, ये सारे रहे हैं। उनके बेटे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उनका एक और नेफ्यू है वो भी स्टेट लेवल पर एक मिनिस्टर है। तो एक तो ये बात हो गई कि ऐसा नजर आने लगा लोगों को कि एक ही फैमिली है जो पूरी वेल्थ को अपने पास कंट्रोल करके रख रहा है। दूसरी बात है, राजपक्षा ने समाज को बहुत डिवाइड किया, बुद्धिस्ट को मुसलमानों से लड़वाया, ईसाइयों के साथ जब ईस्टर बॉम्बिंग संडे हुआ तो उसकी जो है जिस तरीके से जांच ठीक से नहीं हो सकी, तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर लगातार जो सोशल फैब्रिक है, जो श्रीलंका या तमिल है उनकी तो खैर अलग ही एक बिल्कुल लंबी लॉन्ग लिस्ट ऑफ ग्रीवेंसेज है, क्योंकि उनकी इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेज, जो एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स हुई उनके पास रहकर, जो भारत के लिए भी हमेशा से चिंता का विषय बना रहा, ये तमाम मुद्दे हैं। अब जो रोड फॉरवर्ड है, देखिए अभी तुरंत जब तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो इस वक्त बातचीत चल रही है एक मिड टर्म बेल आउट पैकेज के लिए, वो जब तक पूरा नहीं हो जाता जो इमीडिएट क्राइसिस है, कि क्योंकि उनके पास इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स नहीं, फॉरेक्स नहीं है करेंसी, और श्रीलंका की पूरी जो इकोनॉमी है वो दरअसल इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। आप आयात पर निर्भर एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उनके पास आइटम्स नहीं है जो वो निर्यात कर सके। दूसरी बात है कि बहुत उनकी जो जितनी रेवेन्यूज है वो पर्यटन पर निर्भर है। तो इसमें एक तो जब 2019 में टेरर स्ट्राइक्स हो गए, उसके बाद पैंडेमिक हो गया, कोविड हो गया, इस सब का एक कलेक्टिव बोझ पड़ा, और प्लस जो कुछ कदम उठाए गए, फर्टिलाइजर्स पर बैन कर देना, IMF से बेल आउट ना लेना राजपक्षा ने जो किया, ये सब एक प्रेशर कुकर की स्थिति बन गई जो फाइनली जब फटा अप्रैल से तो हमने देखा कि किस तरह के हालात बने वहां सड़कों पर। तो वहां बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो इस बात लगातार जो है ये डेंजर सिग्नल्स की ओर पॉइंट आउट कर रहे थे, लेकिन अभी वो देश में वो हालात नहीं है कि इस वक्त को चुनाव करवा सके, और IMF से बातचीत के बीच में अगर वो चुनाव करवाते हैं तो उसका भी जो संदेशा है वो बहुत गलत जाएगा। इसीलिए अभी उनकी जो इमीडिएट प्रायोरिटी है कि अगर इस सरकार को थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिले, क्या रनिल विक्रमसिंघे राजपक्षा की परछाई से बाहर निकलकर खुद कुछ स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ले पाएंगे? उनके पास अनुभव बहुत है, 49 इयर्स का उनका पब्लिक करियर है, डिपेंड कर रहा है कि विलिंगनेस कितनी है, इच्छा शक्ति कितनी है। एक मेरे को दिमाग में सवाल आ रहा है अतुल यहाँ पर, और स्मिता शायद बता पाएंगी क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो कूटनीति को कवर कर रही हैं। स्मिता, भारत में कई लोग जानकार जो हैं कूटनीति के, वो इस बात पर भी चिंता जता रहे थे कि चाइना वहाँ पर अपना बेस जिस तरह से बना रहा है वो एक सामरिक स्थिति से या कूटनीतिक स्थिति भारत के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। लेकिन अब जैसे आप बोल रही हैं कि IMF का पैसा आएगा और देश इस वक्त बहुत कमज़ोर स्थिति में दिख रहा है, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये भारत इसको कैसे ले रहा है अपने को, अपनी स्थिति को वहाँ बेहतर बनाने के लिए, या आप आगे आने वाले दिनों में कैसे देखती हैं चीजों को, क्या वो भारत के पक्ष में रीओरिएंट होंगी या अभी हम कुछ नहीं कह सकते? हम भारत के पक्ष में थोड़ी सी माहौल में जो है ना बदलाव नजर आ रही है हृदेश, क्योंकि इस बार जब मैं फील करती, नॉर्मली श्रीलंका में वैसे श्रीलंका के लोग बड़े पोलाइट स्वभाव के हैं, मुस्कुरा कर आपसे मिलते हैं, अच्छे स्वभाव के लोग हैं वो, और भारत ने इस दफा जो मदद की है, हमने काफी सारा ईंधन सप्लाई दिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया है, अभी भी जो अब प्राइवेट कंपनियों से IOC से जो है तेल खरीद रहा है श्रीलंका, दो कार्गो सप्लाईज अभी अभी गई है, डीजल की, पेट्रोल की सप्लाई जानी है। दूसरी बात है करेंसी स्वैप किया है कि भाई ठीक है हम आप जो है इंडियन रुपीज और श्रीलंकन करेंसी की जो है, क्योंकि आपके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, हम आपकी करेंसीज को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं। तो इन कदमों से, और इस वक्त चीन दरअसल नदारद रहा है पिछले कुछ महीनों से, किसी तरीके से उसने ना कोई एडिशनल कोई लोन दिया है, ना कोई एडिशनल बेल आउट दिया है। देखिए श्रीलंका की समस्या वहां के लोग जानते हैं, वहां के नेता भी जानते हैं, जिन लोगों से मैं लगातार बात कर रही हूँ, कि उनकी ये समस्या इस वक्त एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड समस्या है।
किसी भी एक बाहरी देश के लिए मुमकिन नहीं है कि इस वक्त वो उनको आए और उनको बाहर निकाल ले इस समस्या से। भारत भी नहीं कर सकता। चीन की अपनी अर्थनीति में भी अगर आप चाइनीज कमेंट्री और कमेंटेटर्स को पढ़ें तो उनकी जो इकोनॉमी है वो काफी स्लो डाउन की स्टेज में चल रही है कंपेयर टू देयर ओन इकोनॉमिक। उनकी जो इंडिकेटर्स है या जो उनकी प्रोजेक्शंस है सबसे लोएस्ट उनकी ग्रोथ रेट है इन लगभग 40 सालों में। पैंडेमिक का बहुत मार पड़ा है चीन की इकोनॉमी पर भी। और एक बात हमें समझना होगा कि श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, इन सब देशों में हम भले ही चीन का राग लगातार आलापते रहे, दरअसल इनकी जो लोन्स है वो इस वक्त काफी ज्यादा है दूसरे देशों से भी, जिसमें जापान जैसे देश भी शामिल है। सिर्फ और सिर्फ ये चीन से ही उधार नहीं लिया गया है, तो ये पूरी डेट रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए इनको जरूरत पड़ेगी कि एक तो एक ऐसी सरकार बने जिस पर लोग सबसे पहले भरोसा कर सके कि ये सरकार पारदर्शी है, ये सरकार सिर्फ अपने लिए जो है धन नहीं बटोर रही है। दूसरी बात है जब थोड़ी सी स्थायित्व आ पाएगी तभी जाकर जो है वो टेक्नोक्रेट्स या एक्सपर्ट्स को लाकर बातचीत कर पाएंगे कि कैसे हमारी जो इकोनॉमी है श्रीलंका की इसको हम डाइवर्सिफाई करें, ताकि ये सिर्फ पर्यटन के बाहर इसको आखिर कैसे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिससे इसके लिए कोई ऑप्शंस आगे चलकर वैकल्पिक जो है कुछ ऑप्शंस मौजूद हो। ये आप देखेंगे अगर मिडिल ईस्ट में आज की तारीख में अतुल जो हो रहा है, सऊदी यूएई जैसे देश भारत को बहुत ज्यादा वू कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी अहम वजह है जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को लेकर लगातार फ्लक्चुएशन चल रही है। पिछले कुछ वक्त में ये इन कंट्रीज में एक एहसास हुआ कि हम एक सिर्फ ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी के तौर पर आगे फंक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए अब वो आईटी सेक्टर्स में प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो टूरिज्म में प्रोग्रेस कर रहे हैं और इन सब सेक्टर्स में भारत और भारतीयों की मदद ली जा रही है। तो ये श्रीलंका को भी जो है अब सोचने की जरूरत है आगे जाते हुए। आपने इशारा एक महत्वपूर्ण चीज की तरफ किया कि आयात बेस्ड जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा कुछ निर्यात करने की स्थिति में नहीं है। कुछ समय पहले तक ऐसी स्थिति थी कि हम लोग ये सुनते थे कि जो श्रीलंकन चाय है, टी इंडस्ट्री है, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन टी इंडस्ट्री है और वो उसमें दार्जिलिंग और इसके मुकाबले भी उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है और वो उस सबसे बड़ा जो विदेशी मुद्रा का स्रोत था वो श्रीलंका के लिए था। उसके बावजूद कहाँ बीच में डिरेल हो गई और ख़त्म हो गई और इसके अलावा वहाँ की कृषि की क्राइसिस भी रही, जैसे आपने बताया कि वहाँ पे फर्टिलाइजर्स पे बैन हो गए और वो सारी चीज़ें। शार्दुल, मैं आपसे इसको आप चर्चा में शामिल करना चाहता हूँ। शार्दुल चाय में ही पीते रहे लंबे समय तक। नहीं ऐसा कुछ नहीं है शार्दुल, जहाँ तक मुझे जानकारी है वो कॉफी के शौकीन है। कुछ भी ज्यादा नहीं पीता। चूंकि आप बहुत देर से इस बातचीत को सुन रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि आपकी पहली प्रतिक्रिया जो श्रीलंका की पूरी राजनीतिक क्राइसिस है उस पर, हम लोगों ने पहले भी बातचीत की है इस मामले में, तो अब चूंकि हमारे साथ स्मिता भी हैं और सीधे चूंकि फील्ड से आई हैं तो आप अपने सवाल भी स्मिता से पूछ सकते हैं कोई और अपनी राय भी रख सकते हैं। पहले तो जो आपने वो चाय की और आयात वाली बात कही, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर श्रीलंका के जो राजपक्षे की नीतियाँ थी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था जब हमने पिछले महीने बात की थी, तो उन्होंने जो जैविक खाद की थी इंपोर्ट, उन्होंने पूरी कंट्री को ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश की जो बहुत इम्प्रैक्टिकल है। जैविक से उसमें समय भी लगता है, उसमें उत्पाद भी कम होता है और उसमें जो उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए थे चीन से वो श्रीलंका के पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं थे, खेती के लिए नहीं थे वहाँ। हाँ, और उससे वहाँ नुकसान पहुँचने का डर था, तो उससे चीन और श्रीलंका के बीच जो डिस्प्यूट शुरू हुआ उसके बाद से चीन नदारद है वहाँ पर। हम्बनटोटा में भी काम रुका हुआ है। जो डिस्प्यूट थी चीन की वो तो एक अलग चीज़ है। राजपक्षे परिवार का भ्रष्टाचार इस पूरे प्रदर्शन का सबसे बड़ा फैक्टर रहा और विक्रमसिंघे पे भी इसीलिए लोगों को भरोसा नहीं था क्योंकि वो उनके साथ ही वो उनके साथ ही थे। बड़े आश्चर्य की बात है कि जब ये राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे तो उन्होंने उस दौरान सफाई दी कि मैं उनका दोस्त नहीं हूँ राजपक्षा परिवार का। ये सफाई देने की नौबत आई, इसका मतलब है कि एक परिवार पूरी तरह से खलनायक बन चुका है। हाँ, तो जनता को दिखता है ना कि पैसा इकट्ठा हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं गुणवर्धन, वो भी पिछली सरकार में राजपक्षे के कार्यकाल में विदेश मंत्री थे और शिक्षा मंत्री थे मेरे ख्याल से। तो जो भरोसे की कमी है, श्रीलंका की परेशानी इस समय यह नहीं है कि वहां संवैधानिक या कानूनी प्रक्रिया नहीं फॉलो हो रही, जनता का भरोसा नहीं है। जैसा स्मिता ने बताया, आईएमएफ का लोन करीब वो 3.5 बिलियन डॉलर्स का वो चाह रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें स्टेबिलिटी दिखाई नहीं देगी तो वो लोन नहीं मिलेगा। दूसरा, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। आप मान लीजिए कि सब कुछ ठीक रहता है, वो संसद में पास भी कर देते हैं, तो भी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो प्रॉब्लम फिर वही हो, ये ऊँट किस करवट बैठेगा समझ नहीं आता। तो मैं स्मिता से भी यही पूछना चाहूँगा, उन्होंने वहाँ जो लोगों से बात की, तो ये जो नया उन्होंने रिस्ट्रक्चर किया है, सत्ता की मेन धुरी तो वही है, भले ही लोग बदल गए हैं और
प्रदर्शनकारी इस चीज की वार्निंग पहले से दे रहे थे कि हमें विक्रमसिंघे नहीं चाहिए। तो जनरल जो कंसेंसस है कि 4 से 6 हफ्ते में पता चलेगा कि जनता कितना एक्सेप्ट करती है, इसके चांसेस क्या दिखाई दे रहे हैं? शार्दुल का जो सवाल है उसका जवाब अब आप जानने के लिए आपको हमारे ऑडियो पर आना पड़ेगा, हमारे पॉडकास्ट को सुनना पड़ेगा। वीडियो पर हिस्सा यहीं पर रुक जाएगा, बाकी का पूरा पॉडकास्ट आप हमारे ऑडियो प्लेटफॉर्म पे देखिए, जहां पर भी आप अपना पॉडकास्ट सुनते हैं सारे प्लेटफॉर्म पे हमारा ये पॉडकास्ट उपलब्ध होगा।